अरे बीच में मत घूमो। रितिका अरे अरे बोल। क्या हुआ चौधरी? मैं शूट कर रहा हूँ। सोने कब आगे? मैं शूट कर रहा हूँ। सोने कब आगे? फोन है ना सो कम आगे रवि कैमरा पीछे ले जाऊं। रवि पिक्चर हम पहले ले लें। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। मैम थोड़ा सा आ जाए। हाँ दिख रहा है, आप ही सारा थोड़ा सा करें आरती भाई। हाँ सर, थैंक यू। लाइट दे दो, थोड़ा पीछे आ जाओ, सेंटर जूम कर लो। किशन आप लोग सुबह से तो आए, बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आगे हो गए। सुबह से
और मैं याद रखना अगले गणपति में कई होंगे खुल चुके होंगे, मेरा वादा आपसे। नहीं नहीं होएंगे सबके, जिनके नहीं है उनके हो जाएंगे, ये बोलने का मकसद है। चलेंगे भाई, दुआएं जलाती हैं लोग, थोड़ा जलाते हैं। अरे कैसे भाई, हो गया सर क्या भाई? लाइटों की जरूरत ही नहीं है छोटू के, होता है दो दो है चैनल। ठीक है भाई, एक मिनट मैडम जी, थोड़ा आगे आइए। सुनू सर दिस नीचे भी सर this side sir भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम भी हीरो को तो पता है कि कई अपने दोस्तों को बड़ी तकलीफ में आ रही थी है ना, मैं अपने काफी लोगों तक तो पहुंच पाए, पर मैं आज सब लोग आप लोग भाई लोग और जो नहीं पहुंचे उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने अपने लोग हैं ना एक लिस्ट बना के देना। हमने सोचा था, मैंने हैदराबाद में लोगों के लिए करवाया था कि सबकी अपनी तरफ से मैं इंश्योरेंस करवा दूंगा एक साल का, तो कोई भी तकलीफ किसी को आए ना तो भगवान करे कभी ना जरूरत पड़े, लेकिन सबकी तरफ अपनी तरफ से हम लोग करवा के देंगे। तो तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, जितने लोग हैं सबकी पूरी पूरी लिस्ट बना देना अपने मीडिया के, जितने ऑल द इंश्योरेंस इज डन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, खुश रहे आपने का कोई तकलीफ। भाई इसकी ड्यूटी है हीरो की, मनोज का फोटो, सबका पूरा लिस्ट नाम नंबर जो जो डिटेल चाहिए रहेंगी, वन पॉइंट कॉन्टेक्ट नंबर नहीं नहीं मनोज भाई एकदम पूरा दिल से करता है सबके लिए, परिवार के लिए मुझे जान लगा सबको, बोलो तो व्हाट्सएप कर देना बच्चों अभी हो गया, एक हफ्ता हो गया उसको। दादा सबके लिए ना प्रसाद भी है और ये भी है अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी, प्लीज ले लेना आप है ना, प्लीज जी अरे रुक यार, गणपति जीतू भाई जीतू भाई थोड़ा उधर लो, जो उत्सव है अपने नए नहीं कहूंगी अपने यूजुअल अंदाज में नजर आया है धमाकेदार के साथ। वेल कैसा है, मुझे लगता है कि वापस जिस तरह जान लोगों में पड़ जाती वैसे आई है। बप्पा का पर्व हमेशा बहुत जोश से सब लोग मनाते हैं, लेकिन कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से लोग मनाना चाहते थे वो उत्साह नहीं आ पाया, लोग तकलीफ़ों में बहुत थे। और वापस अभी इस बार जब मैं वापस लोगों को देखता हूँ कि वही खुशी है, वही उत्साह है, उसी जोर शोर से सब लोग वापस बप्पा को घर पर लेकर आए हैं और वैसे ही सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो लग रहा है कि बप्पा ने जो विघ्न हरता जिसके लिए बोलते हैं हम लोग, विघ्न काफ़ी जो थे वो हर लिए हैं और वापस जो ज़िंदगी है वापस पटरी पर लौट रही है। सुनो जी, बात की जाए आपके गणपति उत्सव मनाने की, तो मतलब हर साल आप मनाते हैं, ऐसा कौन सा प्रेस्टिजियस मूवमेंट है या ऐसा
मुझे अपना पहला गणपति याद है. मैं जब पहली दफ़ा आया था मुंबई, हम लोग किराए पे रहते थे एक जगह पे, और किसी ने बोला कि ना बप्पा को घर पे लाने से बहुत ज़िंदगी में आपको यू नो सक्सेस मिलती है. और पता नहीं था कि क्या विधियाँ होती हैं, ये भी डर था कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए. तो सब बैठ के सीख रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे जो लोग बहुत टाइम से मनाते हैं कि कैसे मनाते हैं. तो वो बड़ा एक स्पेशल टाइम था. बाइक पर जाके मैं विलेपाल स्टेशन से गणपति बप्पा को लेकर आया था, फिर खुद ही हाथ से थर्मोकोल से हमने पूरा उनका जो डेकोरेशन किया था पूरी रात बैठ कर. उतना अच्छा भी नहीं बन पाया, कोई एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक अलग यू नो प्यार था, एक अलग खुशी थी, एक्साइटमेंट थी. और उस दिन से जब शुरुआत हुई बप्पा के साथ घर में बुलाने की, और आज तक वो चलता ही आ रहा है. So, वैसे विघ्नहर्ता जो है वो सारे विघ्न हैं उनको दूर करते हैं. वैसे इस साल कुछ मन में भावना, कुछ यू नो इच्छा विश लेकर पापा को घर पर ले रहे हैं? मैं बस पापा से यही कहूँगा कि तकलीफें तो पहले भी हम लोग बहुत देखते थे, लेकिन अभी जब से थोड़े लोगों से ज़्यादा जुड़ना शुरू किया, लगा कि और तकलीफें बहुत ज़्यादा हैं. हर रोज़ लोग जो घर पे आते हैं इतवार को, तो बहुत ही बड़ी तादाद में आते हैं, तो उनकी तकलीफ़ें कम हो, जो कतारें हैं वो छोटी हो जाएं, लोगों की तकलीफ़ें कम हो, और बस उन सब के विघ्न हरे बप्पा और खुशियां दें, तकलीफ़ें दूर हो लोगों की, और जो भी उनके सपने हैं वो सब पूरे हों. हमारे जो पापा लेकर आते हैं 5 दिन के लिए रहते हैं, 5वें दिन हमारा विसर्जन होता है. पर वही रहता है कि हमेशा ऐसा लगता है कि घर के अंदर एक नया मेहमान आ गया है, और यू नो आप देख ही रहे हैं कि आप सब लोग आए हैं, खुशियों का एक अलग फीलिंग है. सो प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट. सर आपका एक कल शो हुआ था पवन सिंह जी के साथ, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं एक्चुअली मेरा उनके साथ नहीं था, मैं एक हमारी एक मेरा ब्रांड है श्याम सिंह, उसके लिए मैं गया था. वो वहाँ पे पवन जी से मुलाकात हुई थी, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं. तो यू नो बड़ा अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, और दिल्ली में थे हम लोग. सर कोई फिल्में अगर आप बता सकें कब तक आपकी कोई आने वाली? मेरी अभी नवंबर में शुरू हो रही है फिल्म फतेह शुरू हो रही है, एक्शन थ्रिलर है. और अभी इनफैक्ट दिल्ली से उसकी सब लोकेशंस वगैरह हम लोग हंट करके आ रहे हैं, तो नवंबर में जाएगी जोर शोर से. कमाल का एक्शन है और लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ओके, लास्टली गणपति बप्पा. गणपति बप्पा होरिया, मंगल मूर्ति होरिया. थैंक यू सो मच.